आज हम बनाएंगे बिल्कुल ही इजी, टेस्टी एंड वेरी हेल्दी फूड। फूड पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी रेसिपी हम आप तक पहुंचा सकें। तो इसके लिए हमें चाहिए पालक। इसे हमने अच्छी तरह से साफ करके पानी झाड़ लिया है इसका, और इसको हम रफली चॉप करेंगे, और रफली चॉप करके इसे हम उबालेंगे थोड़ा सा। तो ये इस तरह से हम रफली चॉप कर देंगे। इसे ग्राइंड करना है तो रफली ही चॉप करेंगे। पानी इधर उबलने के लिए रख दिया था, पानी में उबाल आ गया है तो इसमें हम इसे डाल देंगे, और दो मिनट के लिए इसको हम इस तरह से दबाकर पानी में डुबोकर कवर कर देंगे। तब तक के हम इधर देख लेते हैं, एक चम्मच के जैसे लहसुन, आधी प्याज और एक टमाटर को घिस कर हमने रख लिया है। दो लाल मिर्च सूखी ले लिया है। दो मिनट बाद हम देखते हैं पालक को, तो पालक दो मिनट तक उबल गया है। तो इसे हम इस तरह से दबा के पानी में और डुबो लेंगे और इसे छानकर निकाल लेंगे। छानकर निकालने के बाद इसे हम ठंडे पानी में करके इसे ठंडा कर लेंगे और मिक्सिंग जार में डालकर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये बारीक सा पीस जाए। तो हम इसे मिक्सिंग जार में डालकर पीस लेते हैं। इसके हम प्योरी बना लेंगे। तो चलिए पीसते हैं। ये पीस गया है, ये देखिए इसका प्योरी बन गया है, कितना ग्रीन दिख रहा है ये। अब हम एक कढ़ाही लेते हैं और कढ़ाही में दो चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होते ही हम इसमें लाल सूखी मिर्च को तोड़कर डाल देंगे, और गार्लिक डालेंगे इसके साथ में, अनियन भी डाल देंगे, और इस तरह से इसे चलाते हुए हम थोड़ा सा ब्राउन होने तक भून लेंगे। ब्राउन होने के बाद इसमें हम घिसे हुए टमाटर डालेंगे और अच्छी तरह से मिलाएंगे। टमाटर मिलाने के बाद इसमें हम देखी लाल मिर्च और नमक डाल देंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। ये अच्छी तरह से भुन जाए, इसमें कुछ ज़्यादा डालने नहीं है, बस इतने ही चीज़ डालने हैं और इसे अच्छी तरह से भून लेने हैं। इसके भून जाने के बाद इसमें हम पालक की प्योरी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसमें माड़ डालेंगे। तो ये माड़ जिससे हम चावल बनाते हैं, उस चावल का माड़ है। चावल के बन जाने के बाद हम माड़ हटाकर फेंक देते हैं, तो इसे फेंकना नहीं चाहिए, ये इससे भी डिश बन जाती है। तो चलिए आज हम इसका डिश बना रहे हैं। अब पालक की प्योरी में हम माड़ को डालेंगे और इस तरह से चलाएंगे, चलाकर मिला लेंगे। ये जब मिल जाए तो इसे हम उबाल लाने के लिए दो मिनट कवर कर देंगे ताकि ये उबाल आ जाए। तो कवर कर दिए, अब देखिए दो मिनट बाद ये अच्छी तरह से उबल गया है और तैयार भी हो गया है। इसका हरापन देखिए कितना है, कितना अच्छी तरह से ये हरा दिख रहा है। तो ये खाने में भी उतना ही हरा है, उतना ही अच्छा लगता है। तो आप कभी ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हेल्दी का हेल्दी भी है, बहुत जल्दी बनता भी है, बनाने में आसान भी है। होता ये है कि कभी कभी वेस्टेज भी हमारे काम आ जाते हैं। आप ट्राई करके ज़रूर बताएं रेसिपी कैसी है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखें।